लगातार 4 शतक लगाकर डोमेस्टिक क्रिकेट में कुमार संगकारा के रिकॉर्ड की बराबरी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरसीबी के प्लेयर देवदत्त पाडिकल की, जो क्रिकेट में तब सुर्खियों में आए जब उन्होंने 4 लगातार शतक लगाए विजय हजारे ट्रॉफी में। देवदत्त पाडिकल की स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, 7 जुलाई सन 2000 को केरल में जन्मे देवदत्त पाडिकल का परिवार पहले हैदराबाद में रहता था, उसके बाद फिर वो कर्नाटक शिफ्ट हुए और वहां पे वो बेंगलोर में रहने लगे और वहीं से देवदत्त पाडिकल ने क्रिकेट खेलना शुरू किया। दोस्तों, क्रिकेट का जुनून शुरू से ही था उनमें। उन्होंने स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर खेलना शुरू किया और उसके बाद दोस्तों 2018-19 के रणजी सीजन में उन्होंने कर्नाटक की तरफ से रणजी ट्रॉफी खेलना शुरू किया। दोस्तों, इस सीजन में भी वो अच्छी पारियां खेल के सुर्खियों में आए, लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा सुर्खियों में तब आए जब इन्होंने 2019 में विजय हजारे ट्रॉफी में लगातार 4 मैचों में 4 शतक लगाए। इन्हीं पारियों की वजह से उन्हें 2019 में आरसीबी की फ्रेंचाइजी ने उन्हें 20 लाख रुपए में खरीद लिया। इसके बाद दोस्तों देवदत्त पाडिकल आरसीबी के लिए कुछ यादगार पारियां खेलते रहे, लेकिन दोस्तों 2021 में राजस्थान के खिलाफ उन्होंने आईपीएल का पहला शतक जड़ा। दोस्तों, क्लासिक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते देवदत्त पाडिकल आक्रामक बैटिंग भी कर सकते हैं और बड़े बड़े छक्के भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और दोस्तों आपको कौन से प्लेयर की स्टोरी जाननी है ये भी हमें कमेंट में जरूर लिखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि आपको हमारे चैनल की नई नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।